हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गुनगुन और आप लोग देख रहे हैं गुनगुन ऑलराउंडर। सो गाइस, आज है सेलिब्रेशन पार्ट टू। एंड जैसे कि आप लोगों को बताया था, मैंने मम्मी का बर्थडे हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया जाए। और मामा की एनिवर्सरी थी, तो हमने सोचा दोनों को इसी में हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं। टोटल हम लोग 5 पीपल्स हैं और अब मैं आपको टूर दे रही हूँ द बिग किल्स का। तो जहाँ पर हमने लंच किया था और अपनी पार्टी वगैरह किया था, तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज आई हैं और यहाँ का बहुत अच्छा सर्विस है, मतलब बहुत बहुत अच्छा। और यहाँ के जो सर्वेंट्स हैं वो बहुत पोलाइट हैं। साथ में यहाँ पे देख सकते हो कितने सारी मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एक करके आपको सारी चीज़ दिखाऊंगी। वेज और नॉन वेज दोनों हैं यहाँ पर, जो भी आपको मन करता है वो आप ले सकते हैं यहाँ पर। एंड साथ में यहाँ पर हम लोग बैठ के खा रहे हैं और मतलब बहुत अच्छा है। यहाँ का फूड भी बहुत टेस्टी सा है और मतलब सर्वेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। और मुझे वीडियो बनाने से भी किसी ने कुछ मतलब डिस्टर्ब नहीं किया। बहुत जगह होते हैं कि वीडियो नहीं बनाने देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मुझे वीडियो बनाने दिया था और मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हम बड़ी फैमिलीज़ हैं तो उनके लिए बड़े बड़े सीट्स लगे हैं, और हमारी जैसे 5 फैमिलीज़ थी तो हमारे लिए छोटे सीट्स लगे हैं। और जैसे अगली बार हम लोग आए थे पापा के बर्थडे पे, अगर आपको याद होगा, तो हम लोग पूरे टोटल 14 लोग थे, तो उसमें मुझे बड़ी सीट मिली थी। अगर वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। और अब मैं आपको मेन्यू पर ले जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं केक्स और मिठाई की तरफ लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर सैलड्स हैं, अभी दिखा रही हूँ। पिकल्स हैं, सैलड्स हैं, कस्टर्ड, मतलब फूड का जो कस्टर्ड होता है वो है। साथ में यहाँ पे जो चने होते हैं, ओट्स वगैरह, वो सब हैं। कोन की थोड़ी सी ऐसे चाट सैलड टाइप में है, और रायता है यहाँ पे। और फ्रूट्स हैं लाइक वाटरमेलन, पपाया, एंड वहाँ पे भी है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मलाई ब्रेड है, यहाँ पे बहुत टेस्टी लगता है। ये जो ब्रेड होता है एकदम अच्छे से फ्राई करते हैं, ऊपर से खोए की एकदम लेयरिंग होती है, बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर आपने नहीं खाया तो खा लेना, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और ये देख सकते हैं कोन का, जो मैंने बताया था आपको, चाट टाइप में सैलड बनाया है, वो भी बहुत अच्छा है। और तो अब मैं आपको आगे ले चलती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये जो नीचे है ये है कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड, और साथ में ये है सेवई, बहुत टेस्टी सी लग रही है, अभी मैं खाऊँगी और आप लोग को बताऊँगी। और ये रहा मैंगो केक। तो ये सब मैंने केक्स वगैरह पहले ही खा लिए हैं। और ये रहा वेनीला केक, और साथ में ये जो है ये बार टाइप में है, नीचे जो इसका लेयर है वो थोड़ा क्रिस्पी में है। और ये सिंपल केक है, वहाँ पे ब्राउनीज हैं, और ये रहा हलवा, और ये रहा गुलाब जामुन। तो मतलब कुछ इस तरीके से है। और ये ब्राउनीज है, एकदम हॉट हॉट है, तो इसको आप लोग गरम गरम खा सकते हो। यहाँ पे इंडक्शन पे रखा है जिससे ये गर्म रहे। साथ में ये रहे केक्स, और ये भी एक केक्स हैं, देख सकते हैं ये वाले केक्स बहुत टेस्टी थे। और बाकी ये सारे केक्स है। तो चलिए, मैंने आपको स्वीट्स तो दिखा दिया है, और अब मैं लेके चलती हूँ आपको जो मेन हम लोग खा रहे हैं वो दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं पापड़, और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे, अब यहाँ पे सबसे पहले लगे हैं चाउमीन। और स्टार्टर्स वगैरह आप लोगों को देखना है तो स्टार्टर्स मेरी पहली वाली वीडियो में है, आप लोग उसमें देख सकते हैं। हमने बहुत कुछ खाया था, जैसे ग्रिल्स हुए, और मतलब गोलगप्पा था साथ में, बहुत कुछ था, तो वो सब भी देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे कड़ी है, पालक पनीर है, और भी बहुत कुछ है, तो वो सब मैं आपको दिखा देती हूँ आगे। ये पकौड़े की है, और ये रही शाही पनीर, और साथ में दाल मखनी। तो देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है। और साथ में यहाँ पे ये देखिए, ये रही सब्जी। तो ये मिक्स वेज है, और ये है, और यहाँ पे ऊपर नेम्स लिखे हुए हैं, तो जैसे अगर वेज और नॉन वेज का आप पता लगा सकते हो। तो ये एक पनीर की सब्ज़ी है, आई थिंक ये कढ़ाई पनीर है, तो इसको भी ले लेते हैं। और इसको ले लिया हमने, और अब हम आगे चलते हैं, और वहाँ से अब हम और चीज़ दिखा देती हूँ आप लोगों को, और नॉनवेज भी दिखा दूँगी आप लोगों को। सो गाइस, ये रहे मंचूरियन, जो बहुत टेस्टी लगते हैं, और ये दोनों नॉनवेज हैं। तो ये देख सकते हैं ये दोनों नॉनवेज है, नेम्स लिखे हुए हैं ऊपर। ये देखिए चिकन है, तो ओके, तो चलो चिकन हमें जो पसंद नहीं है तो हम नहीं लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो मटन है, और साथ में ये मटन, ये भी नॉनवेज हुआ, और ये रहे पापड़, और साथ में यहाँ पे भी सैलड्स हैं, अचार है, और साथ में ये रही मिर्ची, एंड साथ में लेमन, एंड
और आपको रोटीज़ वगैरह अगर चाहिए, अगर आपको पूड़ी वगैरह चाहिए तो आप लोग ऑर्डर दे सकते हैं, वो लोग ले आएंगे। एंड साथ में आपको यहाँ पे पुलाव मिल जाएगा, और ये दोनों में सूप है, एक नॉन वेज सूप है और एक वेज सूप है। तो जैसे मेरे पापा को सूप्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मेरे पापा सूप ज़रूर लेंगे। तो चलिए पापा ले लेते हैं सूप, और अब हम लोग जाके खा लेते हैं सब कुछ। तो ये देख सकते हैं आप। सो गाइज, ये रही मेरी डिनर प्लेट की थाली, डिनर सॉरी लंच। तो ये रही मेरी रोटी और साथ में पापड़, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पास्ता ले लिया था और नूडल्स, और साथ में मैंने दी है दाल मखनी। तो ये रही मेरी मम्मा की प्लेट, और ये रहे मेरे पापा का सूप एंड उनका ये फेवरेट डिश जो पापा ने लिया है यहाँ पे, ये पालक पनीर। और ये रहे मेरे मामा और साहिल, तो ये लोग भी खा रहे हैं और बहुत टेस्टी सा लग रहा है। तो चलो अब जल्दी से हम खाते हैं। सो चलो, और फिर उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे आइसक्रीम तो दिखाई नहीं, तो अभी मैं आपको आइसक्रीम भी दिखाऊंगी, वो भी बहुत टेस्टी सा लग रहा है। तो पहले इन सब को फिनिश कर लेते हैं। सो गाइज, इट्स टाइम फॉर स्वीट्स। तो ये रहे सब लोगों के स्वीट्स, और ये मैंने भर भर के केक लिया है, सबको मैं टेस्ट करूँगी और सब बताऊँगी कि क्या कौन सा कैसा लग रहा है। सो लेट्स ईट। सो गाइज, यहाँ पे मैंने फास्ट मोशन कर दिया है क्योंकि अब मैं आप जल्दी से खा लेती हूँ। और सारे केक्स बहुत बहुत यम्मी हैं, मुझे मैंगो वाला केक बहुत अच्छा लगा, साथ में कस्टर्ड अच्छा लगा मुझे। और मैंने अभी चॉकलेट का एक बाइट किया था, वो भी बहुत टेस्टी था। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी फैमिलीज के साथ मज़े कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ और खाने की तारीफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। केक्स में जैसे होता नहीं है, कहीं कहीं केक्स बहुत ज़्यादा ही शुगर में होते हैं, यहाँ पर लेबल्ड है, मतलब ज़्यादा शुगर भी नहीं है, मतलब मीडियम मीडियम पे है, हमारे लिए एकदम परफेक्ट है। तो या सो चलो जल्दी से खा लेते हैं एंड फिर मिलती हूँ आप लोगों से, और आइसक्रीम भी दिखाना है। चलो चलते हैं। सो गाइस, ये केसर बादाम पिस्ता वाला था और ये भी बहुत टेस्टी था, पर मेरे को मैंगो वाला बहुत ज़्यादा यम्मी लगा, क्योंकि जो ये केसर बादाम है इस पर बहुत सारे ड्राई फ्रूट बीच बीच में आ रहे थे। मतलब ये भी अच्छा है, बड़ों के लिए तो अच्छा ही है, बट मैंगो का जो मज़ा है वो फिर केसर बादाम पिस्ते में नहीं है। तो चलो अब मैं इन्जॉय कर लेती हूँ अपनी आइसक्रीम, और पापा मम्मी का भी दिखा देती हूँ। तो मेरे पापा मम्मी ने लिया स्ट्रॉबेरी, वैनिला और मैंगो, स्कोप वाले लिए हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे आइसक्रीम्स, यहाँ पे बहुत सारे आइसक्रीम्स हैं, जो भी आपका मन करे वो ले सकते हैं। मेरे साल ने, मतलब मेरे भाई ने बटरस्कॉच लिया है, और मैंने स्ट्रॉबेरी लिया है। तो चलिए खा लेते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी आइसक्रीम खाई है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो चलो खा लेती हूँ और फिर उसके बाद आप लोग स्टेडियम दिखाऊंगी, बहुत सुंदर है। और नीचे से मैंने लिया है उसका, गाड़ी में जब मैं बैठी थी तब मैंने लिया है, बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है, आपको वो भी दिखाऊंगी इसके बाद। तो चलो जल्दी से मैं अपनी आइसक्रीम इंजॉय करती हूँ, बहुत जल्दी, ठंडी चिल्ड एकदम है। तो वैसे मेरे मामा और सबको बहुत पसंद आया। और वन मोर थिंग, हैमलिन्स जाने से पहले अभी सेलिब्रेशन केक कटिंग तो बाकी है, जैसे कि यहाँ के सर्विस और मतलब यहाँ के जो वो वेटर टाइप हैं, तो उन लोग को सबको पता चल गया था कि मामा का एनिवर्सरी है, तो हम लोग सेलिब्रेट करने आए हैं, तो इसीलिए उन लोगों ने हम लोग के लिए एक केक ऑर्गेनाइज़ किया है। तो अभी वो केक आने वाला है और हम लोग कट करेंगे, तो चलो उस केक के आने का इंतजार करते हैं। तो गाइस, पेट खत्म हुआ और मेरा केक एनिवर्सरी का, तो इसे मामा कट करेंगे। यहाँ पर मामी नहीं है क्योंकि मामा कुछ काम से आए थे लखनऊ, तो उनका आज एनिवर्सरी नहीं है, कल।
चिवान स्टेडियम है एंड बहुत बड़ा स्टेडियम है और अब पूरा खा खा के पेट भर चुका है, अब चलते हैं अंदर। सो गाइस, हम लोग का इतना ज़्यादा पेट भर गया था कि हार्मलेस जाने की हिम्मत नहीं हुई, बस मैंने फटाफट से वीडियो बना लिया, वो आपको मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। स्टेडियम बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। पहले भी बोल चुकी थी, बाय।